नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक बेहद अनूठे कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं। यह कविता संग्रह सविता सिंह द्वारा संपादित है। सविता सिंह स्वयं जानी मानी कवयित्री हैं, आलोचक हैं, प्राध्यापक हैं, अंग्रेजी हिंदी में समान रूप से लिखती रही हैं और पूरी दुनिया में जानी मानी नारीवादी हैं। स्त्री स्वर के पक्ष में पूरी दुनिया में जो भी प्रगतिशील और आधुनिक विचार हैं उनको ग्रहण करती हैं और कोशिश करती हैं कि आने वाली पीढ़ी इन बातों को समझ सके। इस संग्रह का नाम है प्रतिरोध का स्त्री स्वर, समकालीन हिंदी कविता। यानी प्रतिरोध का जो स्त्री स्वर है वह काव्य में किस रूप में सामने आया है। सविता सिंह ने 20 कवयित्रियों की रचनाओं के माध्यम से, चुनी हुई रचनाओं के माध्यम से उनको इसमें संकलित करने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि कविता संग्रहों के बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं रखता, कोई समीक्षा नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर उल्लेख करूंगा कि किन रचनाकारों की कविताएं इसमें संग्रहित हैं और फिर कुछ की, कुल 4 की ही कविताएँ सुना सकता हूँ। 20 की कविताएं हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस संग्रह को खरीद कर पढ़ें और तब समझें। सुभा, जिन कवयित्रियों का की कविताएं इसमें संकलित हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सुभा, शोभा सिंह, निर्मला गर्ग, कात्यायनी, अजंता देव, प्रज्ञा रावत, सविता सिंह, रजनी तिलक, निवेदिता झा, अनीता भारती, हेमलता महेश्वर, वंदना टेटे, रीता दास राम, नीलेश रघुवंशी, निर्मला पुतुल, सीमा आज़ाद, सुशीला टाकभौरे, कविता कृष्ण पल्लवी, जसिंता केरकेट्टा और रुचि भल्ला। ये कुल 20 कवयित्रियों की कविताएं हैं और इनको संकलित करने का आशय सिर्फ इतना है कि सविता सिंह यह बताना चाहती हैं कि आपको जो प्रतिरोध का सौंदर्य है वह इन कविताओं के माध्यम से दिख सके। मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ वो कात्यायनी की एक कविता पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से। इस स्त्री से डरो, कविता का शीर्षक। यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में। उससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में। जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है। यंत्रणा गृहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में एक गीत। रहस्यमय हैं इस स्त्री की उलट बासियां, इन्हें समझो, इस स्त्री से डरो। समझ सकते हैं कि कात्यायनी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। अब मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वह सविता सिंह की ही कविता है और संपत्ति है यह पृथ्वी, इस कविता का शीर्षक है। यहाँ तो सब कुछ तुम्हारी संपत्ति है, पूरी पृथ्वी है निशाने पर तुम्हारे। तुम्हारी तृष्णा से कुछ भी बचा नहीं रहेगा एक दिन। सब कुछ पर होगा तुम्हारा आधिपत्य, छोटी से छोटी भावना पर निर्मम क्रूर दृष्टि तुम्हारी। जानवरों से लेकर मनुष्यों तक सब पर अधिकार है वैसे भी तुम्हारा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संपत्ति हैं, तुम उन्हें किसी और तरह से जानते भी नहीं। पत्नियों के स्वामी तो अनंत काल से रहे हो तुम, मगर बच्चे इस धरती के होते हैं जैसे हम तुम स्वयं भी। प्रकृति जिन्हें सींचती है अपनी नम आँखों से, अपनी हवा से बनाती है जिनके मन, अपनी बारिशों से पैदा करती है वासना जीवन के लिए, अपने हरे नीले पीले बैंगनी अनगिनत दूसरे रंगों से गढ़ती है उनके अपने रंग। और अब तो उसके पास एक दूसरी कल्पना भी है तुम्हारे स्वामित्व से उबरने की, जैसे है स्त्री की भी अपनी कल्पना एक।
जबरन प्रेम और मोह की गिरफ्त से छूटकर इस संसार में जीने की। यहाँ सब कुछ तुम्हारी संपत्ति नहीं, कुछ इस तरह सोचकर देखो कितनी अबाध दिखेगी तुम्हें अपनी ही स्वायत्तता। ये सविता सिंह की कविता है। अब मैं निर्मला पुतुल की एक कविता पढ़ रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरे सब कुछ अप्रिय हैं उनकी नज़र में। मेरे सब कुछ अप्रिय हैं उनकी नज़र में, वे घृणा करते हैं हमसे, हमारे कालेपन से, हंसते हैं, व्यंग करते हैं हम पर, हमारे अनगढ़पन पर कसते हैं फप्तियाँ, मजाक उड़ाते हैं हमारी भाषा का, हमारे चाल चलन रीति रिवाज कुछ पसंद नहीं उन्हें, पसंद नहीं है हमारा पहनावा ओढ़ावा, जंगली असभ्य पिछड़ा कहकर हिकारत से देखते हैं हमें और अपने को सभ्य श्रेष्ठ समझ नकारते हैं हमारी चीज़ों को। वे नहीं चाहते हमारे हाथों का छुआ पानी पीना, हमारे हाथों का बना भोजन सहज ग्राह्य नहीं होता उन्हें, वर्जित है उनके घरों में हमारा प्रवेश, वे नहीं चाहते सीखना हमारे बीच रहते हमारी भाषा, चाहते हैं उनकी भाषा सीखें हम और उन्हीं की भाषा में बातें करें उनसे। उनका तर्क है कि सभ्य होने के लिए जरूरी है उनकी भाषा सीखना, उनकी तरह बोलना बतियाना उठना बैठना जरूरी है, सभ्य होने के लिए उनकी तरह पहनना ओढ़ना। मेरा सब कुछ अप्रिय है उनकी नज़र में, अप्रिय मेरे पसीने से पुष्ट हुए अनाज के दाने, जंगल के फूल फल लकड़ियाँ, खेतों में उगी सब्जियाँ, घर की मुर्गियाँ, उन्हें प्रिय है मेरी गदराई देह, मेरा मांस प्रिय है उन्हें। ये निर्मला पुतुल की कविता है। और अब इस संग्रह से मैं एक कविता और पढ़ना चाहता हूँ और वह कविता सुशीला टाकभोरे की है, ईश्वर। अब तक घटती थी घटनाएं ईश्वर की ही इच्छा से, बन जाता था ईश्वर तब और शक्तिशाली अधिक प्रभावशाली, कि करता है सब कुछ वही, उसके बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, मनुष्य क्या चीज है नगण्य तिनके जैसा, यही प्रचार था अब तक ईश्वर के लिए। यह कैसा समय आया है कोरोना काल में ही ईश्वर को ही कर दिया बंद, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में, कि मनुष्य स्वयं ही करेंगे मनुष्यों की रक्षा, डॉक्टर अब बड़ा ईश्वर से, पुलिस बन गई है शुभचिंतक हमारी, ईश्वर को बाजू रख दो बांध कर पुटली में, उसका कुछ काम नहीं है कोरोना काल में, लॉकडाउन का पालन किया है सबने, यह ईश्वर का आदेश नहीं सुरक्षा का संदेश है, मान भी जाओ यह सत्य अब सब, ईश्वर नहीं है कहीं, यह दुष्टों का फैलाया जाल है, कौन है ईश्वर क्या है उसका धर्म, मनुष्य ही है ईश्वर, मानवता ही है धर्म, करने लगे हैं सब कबूल इसे, 2020 का सबसे बड़ा संदेश यह। यह सुशीला टाकभोरे की कविता थी। हालांकि मैं जयसिंता केरकट्टा की कविता पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि सुशीला टाकभोरे जी की किसी भी रचना के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है, इसलिए उनकी ये कविता इस संग्रह से, जो प्रतिरोध का स्त्री स्वर समकालीन हिंदी कविता, जिसकी संपादक डॉक्टर सविता सिंह हैं। सविता सिंह जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने हमारे समकालीन स्त्री स्वर को एक जगह संकलित करने की, संग्रहित करने की कोशिश की है। इस संग्रह की कविताएं बहुत श्रेष्ठ हैं और राज कमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम राधा कृष्ण पेपरबैक्स को भी इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक अद्भुत कविता संग्रह से, जिसमें एक ही जगह हमारे समय की 20 अनूठी और प्रतिरोधी स्वर वाली कवयित्रियों की कविताएं उपलब्ध हो जा रही हैं, उनको उपलब्ध कराया है। इस संग्रह का मूल्य ₹350 और पृष्ठ संख्या है 288।
उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में आपके पास पहुंचते हैं। उनकी कविताओं में प्रेम का स्वर है, उनकी पाठन शैली भी अनूठी है। आप अगर कविताओं के प्रेमी हैं तो उनके कार्यक्रम को देख सकते हैं। अगर आप कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को मैं इस समय आपके पास उपस्थित होता हूं, उसमें कविताओं की बात करता हूं। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, साहित्य तक को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।